मित्रों, आज के दौर में अच्छे व्यक्ति का मिलना बहुत ही मुश्किल है। कलयुग में इंसान दिन ब दिन केवल बुरे कर्म किए जा रहा है। ऐसे में अगर भगवान कभी किसी व्यक्ति के सामने किसी रूप में आ भी जाए तो भी वो उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय में ईश्वर को देख पाना असंभव है। और ऐसा ही कुछ हुआ था कई साल पहले। अब क्या थी ये पूरी घटना, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर भी जरूर बने। मित्रों, बता दें कि जो भगवान आम व्यक्ति के सामने आते, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेन की टिकट न होने के चलते उन्हें उसे रेलगाड़ी तक से उतरने को कह दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि लोग नीम करोली बाबा को बजरंग बली का अवतार मानते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो उन्हें हनुमान जी ही कहते थे। बताया जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा को कहीं जाना था, इसीलिए वो बिना टिकट ही ट्रेन के फर्स्ट क्लास बोगी में चढ़ गए। किसी भी आम दिन की ही तरह उस यात्रा में सब कुछ आम था, लेकिन टीटी के आने के बाद वो दिन आम से खास में बदल गया और सबको पता चला कि नीम करोली बाबा कोई आम मनुष्य नहीं। अब टीटी ने सबकी टिकट चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने नीम करोली बाबा से टिकट दिखाने को कहा तो बाबा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं। जिसके बाद टीटी उन पर भड़क गया और उसने अगले स्टेशन पर बाबा को ट्रेन से उतरने को कह दिया। टीटी के ऐसा कहने के बाद बाबा बिना किसी बहस के ट्रेन से उतर गए, जिसके कुछ ही देर बाद ट्रेन के चलने का समय हो गया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन के इंजन को शुरू कर दिया गया। लेकिन मित्रों, यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। फिर जब सभी कोशिशें नाकाम हो गई, तो किसी ने टीटी से कहा कि आप बाबा से माफी मांगकर उन्हें ट्रेन में बैठने की अनुमति दे दें, शायद कुछ बात बन जाए। आखिर में हारकर टीटी नीम करोली बाबा के पास गया और उनसे ट्रेन में बैठने के लिए कहा। उस टीटी की बात मानकर बाबा दोबारा ट्रेन पर चढ़ गए और वो जैसे ही ट्रेन में बैठे ट्रेन तुरंत चल दी, जिसके बाद सभी समझ गए कि ये बाबा कोई आम मनुष्य नहीं है। मित्रों, बता दें कि ये घटना नीम करोली स्टेशन पर घटित हुई थी, इसीलिए उस दिन से बाबा का नाम नीम करोली बाबा रख दिया गया। यूं तो बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, लेकिन अपने ऐसे ही कई चमत्कारों के कारण बाबा सारी दुनिया में नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चलिए अब आपको बाबा के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताते हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि नीम करोली बाबा की कृपा से ही फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का संसार बदल गया और आज वो सफलता के जिस मुकाम पर है वो केवल बाबा के आशीर्वाद की वजह से है। नीम करोली बाबा के जन्म से पहले उनके माता पिता की कोई अन्य संतान नहीं थी, जिसके कारण वो काफी दुखी रहते। तब बाबा के पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा किसी व्यक्ति की सलाह पर राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी यानी कि हनुमान जी के मंदिर में गए और वहां जाकर उन्होंने बालाजी महाराज से संतान प्राप्ति की कामना की और ये भी कहा कि हमारी जो भी संतान होगी उसे हम आपको सौंप देंगे। बजरंगबली जी की कृपा से ही साल भर बाद ही नीम करोली बाबा का जन्म हो गया और इस खुशी के बीच दुर्गा प्रसाद जी का मन भी बदल गया और उन्होंने मारुति नंदन से किया अपना वादा नहीं निभाया। समय गुजरता गया, बाबा बड़े हुए और उनके पिता ने उन्हें हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी बाबा में अद्भुत शक्तियाँ जन्म ले रही थी, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि काफी तेजी से बढ़ गई। फिर कुछ समय बाद जुगल किशोर बिरला जी ने उन्हें दिल्ली के बिरला मंदिर की देखरेख का काम सौंप दिया, जिससे उन्हें कुछ धनराशि भी मिलती थी। बता दें कि नीम करोली बाबा ने एक लंबा समय यही बिताया, लेकिन फिर एक दिन वहाँ जुगल किशोर जी के गुरु जी आए। उन्होंने बाबा को देखते ही उनसे कहा, तुम्हारे पिता धोखेबाज हैं, उन्होंने बालाजी से किया हुआ वादा तोड़ा है। ये सुनते ही बाबा पूरे सच का पता लगाने अपने पिताजी के पास जा पहुँचे, जिसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। साथ में उन्हें ये भी बताया कि ये बात केवल उनके और हनुमान जी के बीच हुई थी और इसका पता तो तुम्हारी माँ को भी नहीं। इसका मतलब साफ है कि जिसने तुम्हें ये बात बताई वो कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी हनुमान जी हैं। सारी बात जानकर बाबा गुरुजी के पास गए और उन्हें अपना गुरु मानकर अपना पूरा जीवन बजरंगबली जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और मित्रों, यही कारण है कि कुछ लोग नीम करोली बाबा को बालाजी का अवतार मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि बाबा ने बहुत सी सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिस कारण ही वो आम लोगों की मदद कर पाते थे। बता दें कि नीम करोली बाबा ने साल 1973 में समाधि ले ली थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज भी भक्त बाबा के आश्रम में अपनी जो भी मनोकामना लेकर जाते हैं वो पूरी जरूर होती है। और उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक कैंची धाम है जहाँ नीम करोली बाबा का प्रसिद्ध आश्रम स्थित है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कलयुग में कैसे हनुमान जी को आम आदमी समझकर किया गया उनका अपमान। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो
तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।